दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक युवक की चाकुओं से गोद कर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो अपनी महिला मित्र के साथ सड़क पर घूम रहा था। पूरा मामला पानी की बोतल को लेकर हुए झगड़े के कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं से पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक युवक की उसी के दोस्त ने छोटी सी बहस के चलते हत्या कर दी। मामला दिल्ली के भरत नगर थाना इलाके की वजीरपुर जेजे कॉलोनी का है। दरअसल जिस युवक की हत्या हुई वो तकरीबन रात को 2 बजे एक लड़की और अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था, जिस दौरान चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। युवक का नाम सागर बताया जा रहा है। जिस लड़की के साथ युवक घूम रहा था वो उसकी पत्नी थी या महिला मित्र, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया। मैं बोतल छीनने के चक्कर में यूं कर रहा, जिस लड़के को चाकू मारा ना वो लड़का उसको धक्का दे रहा, उसने भी फिर चौक फैलाया और तीसरी बार में आगे उसने चाकू मारा। 5-6 चाकू लगे दिल विल में और यहाँ पर भी लगा, और जब इस टाइम खत्म हो चुका था वो गिर गया था मेरे ऊपर। वो बात गया, वो लड़का मिला नहीं उसके घर पे, उसकी मम्मी को उसके ताऊ के लड़के को उठवा रखा हमने सर। बाकी अब ढूंढ रहे चाकू मारा अकेला, एक ही लड़का था, दिमाग चला पड़ा उसका गांजे पी के वजह से। चश्मदीदों की माने तो हत्या का कारण एक मामूली सी बहस थी। दरअसल दोनों दोस्तों के बीच बोतल से पहले पानी पीने को लेकर बहस हो रही थी, जिस पर सागर ने दूसरे साथी से गाली गलौज और झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा साथी घर गया और वहां से चाकू लेकर आया और उसी चाकू से उसने सागर पर कई बार वार किए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सागर को आनन फानन में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। भारत नगर पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा। दोस्त ने अपने साथी की जान उस बहस को लेकर ले ली या फिर किसी और वजह से, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाला दोस्त अभी नाबालिग है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा।